इस वीडियो का मकसद तीन सवालात को क्विकली समझना है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितनी फॉर्म्स की होती है और एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। दिस इज गौहर रिज़वी एंड यू आर ऑन माई चैनल। एनर्जी हर जगह है, एनर्जी से ही काम होते हैं। आपके मसल्स में एनर्जी की ही वजह से आप हिलते हैं, भागते हैं, सांस लेते हैं। दिन के दौरान सूरज आप पर लाइट एनर्जी फेंकता है, रात में बल्ब और ट्यूबलाइट एनर्जी की निछावर करते हैं। हवा एनर्जी से ही चलती है, ये एनर्जी ही है जो कि हमारे ब्रेन्स के सिग्नल को भी एक्सचेंज करती है। दिलचस्प बात यह है कि एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। सो टेक्निकली जितनी भी एनर्जी हमारी दुनिया में है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, लेकिन खत्म या बनती नहीं है। इंसानों ने ये हुनर सीख लिया है कि किस तरीके से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलकर रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाए। फॉर एग्जाम्पल, हम हवा या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और घर की अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, इस्त्री या पंखे वगैरह चलाते हैं। सिमिलरली हम ऑयल को एनर्जी के सोर्स के तौर पर बर्न करके उसकी हीट एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में बदलते हैं और हमारी कार्स, जनरेटर्स वगैरह चलते हैं। हम घर में आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी बदलते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेलफोन्स की बैटरीज चार्ज होती हैं और हम फोन पर बात कर सकते हैं। एनर्जी बहुत सी फॉर्म्स में मौजूद होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। सूरज से हमें लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी मिलती है, जिसको पौधे और दरख्त यूज करते हैं और बढ़ते हैं और फ्रूट्स पैदा करते हैं। एनर्जी ऑफ मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। केमिकल एनर्जी, जैसे कि आपके सेलफोन में बैटरी चार्ज होती है तो वो एक तरह से केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको आप गेम खेलकर या कॉल्स करके कंज्यूम करते हैं। साउंड एनर्जी यानी कि किसी भी धमाके के दौरान जब उसकी आवाज पैदा होती है तो एक हैवी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है जो कि महसूस की जा सकती है। और ये सारी फॉर्म्स दो कैटेगरी के अंदर तकसीम की जा सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी मोशन यानी हरकत की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की एनर्जी या कैद हुई हुई एनर्जी। आई नो इट्स बोरिंग, सो लेट्स जंप टू सम एग्जांपल्स। अगर मैं किसी तीर को कमान में डालकर खींचूं और रुक जाऊं तो उस तीर में पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है, और जैसे ही मैं तीर को छोड़ता हूं तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। जब तक कि तीर मेरे हाथ में था और खींचा हुआ था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि तीर एक ही जगह पर रुका हुआ था, तो एक तरह से उस तीर में एनर्जी कैद हुई हुई थी, और जैसे ही मैंने तीर छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी सारी एक हरकत वाली एनर्जी में तब्दील हो गई और तीर तेजी से निकलता हुआ दूर जा गिरा। तीर में इतनी फुर्ती और तेजी इसी वजह से आई क्योंकि उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर मैं उसे कम खींचता तो तीर भी पोटेंशियल एनर्जी कम एब्जॉर्ब करता, और जिसकी वजह से तीर कमान से निकलते हुए ज्यादा दूर नहीं जा पाता। लेकिन मैं तीर को जितना खींचता हूं उतनी ही मेरी अपनी एनर्जी उस तीर में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जाकर जमा हो जाती है, और वो सारी एनर्जी एक झटके से बाहर निकल जाती है जब मैं तीर को छोड़ता हूं। इसी तरह अगर कोई पत्थर ऊंची जगह पर रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई होती है, और जैसे ही कोई उसे डिस्टर्ब करे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में बदल जाती है। एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं, यानी अगर किसी की एनर्जी को बताना है तो हम कहेंगे कि इसमें 5 जूल्स या 10 जूल्स की एनर्जी मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है, और बहुत ही सिंपल है। जिसकी एनर्जी का पता लगाना हो उसका मास और उसकी स्पीड से ही काम बन जाता है। मैं बिल्कुल इक्वेशन दिखाकर डराना नहीं चाहता, ये कोई क्लास नहीं है, इट्स फन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही अजीब है। आपने मेरी दोनों एग्जाम्पल सुनी, उसमें एक बात बहुत ही अजीब थी। मैंने आपको तीर कमान वाली एग्जाम्पल और पत्थर वाली एग्जाम्पल में सिर्फ फाइनल पोजीशन की बात की, आपने ये नहीं सोचा कि वो चीज यहां तक कैसे आई। मैं आपको समझाता हूं, तीर में पोटेंशियल एनर्जी भरना कब शुरू हुई, और सब कहेंगे कि जब मैंने तीर कमान में लगाया तब। एग्जैक्टली, अहम बात यह है कि यह हिस्सा अहमियत रखता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यह बात जरूरी है कि कहां से एनर्जी शुरू हुई और कहां तक पहुंची। ये दोनों पॉइंट्स का होना जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने में। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारी जमीन पर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जमीन की ही सतह को जीरो तस्लीम कर सकते हैं और सारी कैलकुलेशन इसी बेस पर करते हैं। यानी अगर मैं इस कप में 10 जूल एनर्जी डालकर ऊपर रखूं तो इसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि जमीन पर जीरो थी। सवाल, अगर मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्ट यहां है तो आप कहेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
मैं अगर इसमें 5 जूल्स की एनर्जी देकर इसको ऊपर पहुंचा दूं तो आप कहेंगे कि अब इसके अंदर 5 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कैलकुलेट यहां से कर रहा था तो आप सोचेंगे कि अगर यहां एनर्जी जीरो थी तो यहां कितनी होगी और यहां कितनी। सो टेक्निकली यहां एनर्जी -5 होगी और यहां -10 और यहां पर -15। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए जरूरी है कि उसका इनिशियल पॉइंट कंसीडर किया जाए। लेकिन इस तरह तो पोटेंशियल एनर्जी हर वक्त नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी हम जीरो कहेंगे तो थोड़े से खुदाई करके हम इस एनर्जी को नेगेटिव कर सकते हैं। या आइडियली पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के आसपास कोई मौजूद ना हो या दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी असली में जीरो होगी और जैसे जैसे वो दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब होता जाएगा उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी। आज हमने ये जाना कि एनर्जी क्या होती है, कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स बहुत ही लेमन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दी हैं। ये एग्जांपल एडवांस लोगों के लिए एक्यूरेट शायद ना हो। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं यूट्यूब पर बहुत एक्टिवली कमेंट्स का जवाब देता हूं।